MTS न्यूज़ में आपका खैर मकदम। चंद्रानगुट्टा हदूद में एक नाबालिग लड़की के साथ शर्मनाक हरकत की गई जो कि फुलबाग से ताल्लुक़ रखते हैं। इरफान नामी शख्स ने घर में घुसकर यह हरकत की। लड़की को डराकर धमकाकर चाकू बताया। लड़की के घर वालों ने चंद्रानगुट्टा पुलिस में इस मामले की कंप्लेंट करवाई। चंद्रानगुट्टा पुलिस मुजरिम इरफान की तलाश कर रही है। आइए लड़की की मां की ज़बानी चंद तफसील सुनते हैं। रिपोर्टर खादर शेख के साथ कैमरामैन मोहम्मद कलीम। का टाइम था चार साढ़े चार का टाइम था और गेट खुली थी और मैं ही मेरी बच्ची ऊपर सो रहे थे और चलते समय उन्हें अचानक ऊपर आ गए और बच्चा ऊपर आ गया मेरी बच्ची की बाजू सो गया और चलते समय बाजुक बैठ के हाथा लगा के करके बैठे हुआ था और क्या तो समा छुरी हुई निकाला बच्ची को तो डराया तो बच्ची नीचे भाग के आ गई। कौन था वो बच्चा? यहाँ बस्ती का छह बच्चा। क्या नाम है उसका? क्या नाम है ना बेटा? हाँ इरफान मिलिट्री है। इरफान मिलिट्री है और मैं भी गई थी वहाँ। मैं गई तो उनको मार दिए हमारे भाई को मार दिए और मेरे को क्या बोलते समा छुपते की अम्मा की गाली दिए तो मैं क्या बोली तुम्हारे घर में अम्मा बहना नहीं है क्या जो तुम ऐसा बोल रही बोली बोली। तो उसके बाद क्या हुआ? मार के भाग गया बंदा? अरे हमारे शौहर निकले तक दन 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 सीढ़ियों करने से निकल के चले गए। तो आप कंप्लेंट करें इसके बारे में? हाँ करी। कहाँ पे करें कंप्लेंट? गुट्टे पे। क्या बोली पुलिस को? आए ना रोड को आए थे नहीं मिले फिर 5-6 बजे तक फोन करो बोल। आप कौन से एरिया में रहते हैं? ये अहमद कॉलोनी बोलते ना इसको। क्या उम्र रहती है आपकी बच्चे की? 10 साल की। तो बच्चे की कैसी बच्चे की कितना है बोले तो बच्चा देखो 25 साल। हाँ 20-25 साल का है। तो आप क्या चाह रहे हो बोला? इंसाफ करना चाह रहे हैं। बाहर देखो छोटी आज की है छोटी बच्ची है। हाँ मेरी बच्ची बोल के नहीं है कितनों के घरों में कितने बच्चियाँ रहते बोल को आप बोलो। हाँ इससे पहले भी उसके ऊपर केस हुआ करते आप नहीं बोले। अगर मैं झूठ बोली तो आप किससे ही पूछ सकती हैं यहाँ पे बस्ती में? इससे पहले क्या था उसका केस? ये रेप केस हुआ था बोलो बैठे भारत अली की दुकान के पास ही रहता और उन्होंने कब चढ़ा मेरे को नहीं मालूम। नहीं चार को मेरे को आजा आया उनका दरवाजा लगाने था आपका या दीवान खाने में सोती मामे गेट लगी हुई थी गेट खुली थी लॉक ने डालते खटका लगा दिए बाहर के खुल के आए। हां गेट खोल के जा गई जी हम लोगों को मालूम भी नहीं था गेट खोल के जाए गेट कब आ लेके कब आ गया उन्हें मालूम हुआ। हम लोगों को बच्ची एकदम चीख मार के उठते की थी हमला उठ गया कमिश्नर साहब से नहीं आप ऐसा बच्ची हैं उनके संगत ऐसा हुआ तो कैसा। फिर अब ये बच्ची है बोल के बोल दिए फिर अब दूसरी बच्ची भी है और बच्ची के भी साथ नहीं होना ना छोटी बच्ची है ना मासूम बच्ची है वो। वालेकुम नरखी फुलबाग में रहते रात में बाजुक के लड़के खाते पीते ऐसा रात में अचानक घर में घुस के छोटी बच्ची के साथ 10 साल की उम्र की है बच्ची ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती करे आइंदा किसी बच्ची के साथ नहीं होना ऐसा कंप्लेंट करे तो पुलिस वाले बोल रही 5 बजे तक आते ऐसा आते बोल रही आइंदा किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना। कौन करे वो? नहीं रहता बच्चा इरफान नाम है मिंट्री के नाम से बच्चे को पहचानते यह रहता बाजू पीछे गली में भी केस है लोगों का इससे पहले केस हुआ हुआ है रेप केस का ही है ना इससे पहले भी ऐसा सुने हम लगा मालूम हो आप भी। तो कितने बजे हुआ ये? रात में 4:30 का वाकया है बच्ची ऐसा चीख मारी करी तो उठ के देखे बच्ची के वाली साहब आके ऐसा बोले कुछ बोले तो पंच मार के उनको नीचे गिरा दे के घर में के लेडीज बोले तो उनको गालियां वालियां दे के चाकू भी बताए कहते बच्ची के वाली साहब को चाकू बता के करके ऐसा मार के करके बच्चा फरार हो गया पकड़े तक। आपको क्या होना बच्ची? मेरे को साली होना कि हमारी बच्ची के साथ वाइंदा किसी और के साथ नहीं होना जलते जल केस आप लोग क्या करते क्या नहीं। पुलिस वाले क्या बोले?
पुलिस में कंप्लेंट करे तो 5 बजे तक आए। एक बार आए थे राउंडिंग पे, आके देख के करके चले गए ना, फिर 5 बजे तक फोन करते बोले। कहाँ बच्चे का मकान कहाँ है वो? यहीं बाजुक में रहता बच्चा, अमरू भाई की टाल है ना। आपसे अफी लेके हमारे को इंसाफ चाहिए, अंधा हर किसी के साथ नहीं होना ऐसा। छोटी बच्ची है मास भाई, नाबालिग बच्ची है वो,